ग्रेट मैन सेड लाइफ शुड बी ग्रेटर देन लॉन्ग, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। हाय स्टूडेंट, आई एम योगेंद्र सर। आई टीच यू इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 10 से लिया गया है, जो कि पोएट्री का फर्स्ट लेसन द फाउंटेन है। इसके बारे में हम पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई होप यू कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, जो कि काफी आपको हेल्पफुल होने वाला है। सो हम डिस्कशन करते हैं कि द फाउंटेन, जिसको कंपोज किया है मिस्टर जेम्स रसेल लॉविल। जो फाउंटेन मींस होता है फव्वारा, फाउंटेन मींस फव्वारा। आपने जब पार्क में गया होगा तो देखा होगा कि जो फव्वारा होता है, जो फाउंटेन होता है, आप जब उसको देखते हैं तो यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं उसको देखकर, क्योंकि वो अट्रैक्टिव करता है। सो जेम्स रसेल ने फव्वारे के बारे में डिस्कशन किया है कि वह जो फाउंटेन है, फाउंटेन जो है सनशाइन में, स्टारलाइट में, मूनलाइट में, वह किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, किस प्रकार से दिखता है और किस प्रकार से वह अपनी जो क्वालिटी है, क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। सो तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं कि उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा क्या डिस्क्राइब किया है। जो फर्स्ट स्टैंजा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो इनटू द सनशाइन, सनशाइन मींस होता है सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी। तो इनटू द सनशाइन जो फव्वारा है वह सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, यानी पूरी तरह से वो प्रकाशमय है, प्रकाश से भरा हुआ है। और क्या कर रहा है, लीपिंग, लीपिंग मींस होता है उछलना, उछलना। एंड फ्लैशिंग, फ्लैशिंग मींस चमकना। तो सूर्य के प्रकाश में जो फव्वारा है वो क्या कर रहा है, उछल भी रहा है और चमक भी रहा है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी कब से कब तक, वो सुबह से लेकर रात तक वो क्या कर रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है और चमक रहा है। तो पहले स्टेंजे में जो पोएट है उन्होंने बताया कि सूर्य की रोशनी में जो फव्वारा है वह पूरे प्रकाश में है, वो उछलता भी है, चमकता है, यानी कब तक, सुबह से लेकर रात तक। सो नेक्स्ट स्टेंजा है, सेकेंड स्टेंजा है, इनटू द मूनलाइट whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। तो into the moonlight, moonlight means होता है चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी। whiter than snow, और कह रहा है कि जो जो फव्वारा है वह चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा की रोशनी में वो कैसा दिखता है, whiter than snow, यानी whiter means white, यानी सफेद, और snow means बर्फ, वो बर्फ से भी ज्यादा white दिखता है, यानी जो फव्वारा है वह चंद्रमा की रोशनी में वह बर्फ से भी white दिखता है, यानी whiter than snow। waving so flower like, waving से हिलता है, so flower like, और वह फूलों के जैसा हिल रहा है। When the winds blow, and when means जब the winds blow, यानी जब हवा चलती है। तो दूसरे स्टेंजे में बताया है कि चंद्रमा की रोशनी में जो फव्वारा है वह बर्फ से भी सफेद है। वे भी सो फ्लावर लाइक, और वह चंद्रमा की रोशनी में
जब हवा चलती है तो वो जो फव्वारा है वो फूलों के जैसा वो हिलता है। सो नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा देखते हैं। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट मींस होता है तारों की रोशनी। जो फव्वारा है, तीसरे लाइन में रसे ने बताया कि जो फव्वारा है जो तारों की रोशनी में वो क्या कर रहा है, रसिंग इन स्प्रे, वो क्या कर रहा है, बहुत तेजी से वो स्प्रे में चलता है। अर्थात जो स्प्रे है वो गति है, उसकी जो फुहारे हैं उस फुहारों में बहुत तेजी से चलता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और उस तारों की रोशनी में, जो कि रात का समय है, तारों की रोशनी है, उस रोशनी में वो आधी रात, मिडनाइट मींस आधी रात में भी वो क्या है, खुश है। और इतना ही नहीं, हैप्पी बाय डे, और हर दिन वो खुश है। तो तीसरे जो स्टंजा है उसमें रसेल ने बताया कि जो तारों की रोशनी में है, उस तारों की रोशनी में जो फव्वारा है वो अपने फुहारों में बहुत तेजी से चलता है, और इस प्रकार से वह आधी रात में भी खुश है। आधी रात में ही नहीं बल्कि वह हर दिन यानी हैप्पी बाय डे यानी पूरे दिन वह खुश रहता है। तो नेक्स्ट जो फोर्थ स्टंजा है उस पर हम डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इवर इन मोशन ब्रीथ सम एंड चेरी स्टील क्लाइंबिंग हेवन वार्ड्स नेवर ए वियरी। यानी इवर इन मोशन, यानी इवर मींस होता है निरंतर, निरंतर, इन मोशन, मोशन मींस होता है गति, ये अच्छा। यानी जो इस फोर्थ जो स्टंजा है उसमें रसेल ने बताया है कि जो फाउंटेन है वो हर गति में वो निरंतरता बनी, अर्थात अपने गति में हर क्षण वो निरंतर बना है, अर्थात अपनी गति को गतिमान किया हुआ है। ब्रीथ सम एंड चेरी, और उस गति में वो क्या है, ब्रीथ सम मींस प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, और चेरी मींस बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। इस प्रकार से वह अपने गति में भी, जो कि लगातार गति है, उस गति में वो काफी प्रसन्न है। स्टील क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, स्टील मीन शांत रूप में, क्लाइंबिंग में चढ़ना, हेवन मीन्स होता है, हेवन वार्ड मीन्स होता है आकाश की ओर, आकाश की ओर। यानी वो क्या करता है, बहुत ही शांत रूप से वह आकाश की ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि वह चढ़ रहा है, आगे जा रहा है। नेवर ए वेरी, नेवर वेरी वेरी मीन्स कभी थकने वाला, और कभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो कभी थकने वाला नहीं है। अर्थात पुष्ट ने बताया है कि वो हमेशा अपने गतिमान में निरंतरता बनाए रहता है, और हमेशा हर परिस्थितियों में वह क्या होता है, खुश होता है, और धीरे धीरे वह ऐसा प्रतीत होता है कि आसमान में वह धीरे धीरे चढ़ रहा है, और वह कभी भी थकने वाला महसूस होता है। हम फिफ्थ स्टैंजा पढ़ेंगे कि फिफ्थ स्टैंजा में जेम्स रसेल ने फाउंटेन के बारे में क्या डिस्क्राइब किया है। तो फिफ्थ स्टैंजा देखेंगे, ग्लैड ऑफ वेदर स्टील सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायर रेस्ट। तो ग्लैड मींस होता है खुश होना, वेदर्स में होता है मौसम। तो रसेल कहते हैं कि ये जो फाउंटेन है ये हर मौसम, सभी मौसम में वो खुश रहता है। स्टील सीमिंग बेस्ट, स्टील मींस फिर भी, सीमिंग मींस प्रतीत होता है, प्रतीत होता है बेस्ट।
अरे वो हर मौसम में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, और फिर भी वो क्या होता है, सीमिंग बेच वो अच्छा महसूस होता है, प्रतीत होता है अच्छा दिखने में, ही लाइक्स गुड अपवर्ड एंड डाउन डाउनवर्ड। अपवर्ड मींस होता है ऊपर की ओर, और डाउनवर्ड मींस होता है नीचे की ओर। अरे जो फाउंटेंस होता है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, अर्थात अप एंड डाउन होता रहता है उसके मोशन में। और अगला मोशन डाइरेस्ट, मोशन मींस हर क्षण, वह डाइ मींस उसकी नहीं लगा है रेस्ट, उस मोशन में उस क्षण में वो क्या करता है, वह आराम भी करता है। तो फिफ्थ स्टैंड में बताया कि जो फाउंटेन है ये इट इज ऑलवेज हैप्पी एनी वेदर्स, ही ऑलवेज बेस्ट, वो हमेशा अच्छा प्रतीत होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, उन सभी एक्टिविटी में वो क्या होता है, वो हमेशा रेस्ट भी करता है। सो नेक्स्ट स्टैंजा सिक्स, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम। और असल कहते हैं कि फूल ऑफ द नेचर, नेचर मीन्स होता है प्रकृति, अर्थात जो फाउंटेन है वह नेचर से परिपूर्ण है, अर्थात सारे जो इसके क्वालिटीज हैं वो नेचुरली इसमें इंक्लूड है। नथिंग कैन टेम, टेम मीन्स होता है पालतू, पालतू बनाना, और इसको फाउंटेन को कोई भी इसको पालतू नहीं बना सकता है, अर्थात कोई भी इसको अपने बस में नहीं कर सकता है। ही ऑलवेज कैन एक्टिविटी चेंज एवरी मोमेंट, और हर मोमेंट में हर क्षण में वो क्या होता है, अपने आप को चेंज करता है, यानी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, और कभी चमकता है कभी उछलता है। इवर द सेम, फिर भी क्या है, वह सेम है, यानी हर मोमेंट में वह चेंज होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमेशा एक ही जैसा अपना एक्टिविटी कर रहा है। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट्स। तो सीजलेस मीन्स होता है लगातार, लगातार एस्पायरिंग मीन्स ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। तो रसे बता रहा है कि सीजलेस एस्पायरिंग, ये जो फाउंटेन है वो हमेशा नहीं लगातार कंटिन्यू जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, सीजलेस फाउंटेन, और लगातार ये कंटेंट है, संतुष्ट है, यानी अपने आप को संतुष्ट एक्सप्रेस करता है, यानी संतुष्ट कंटेंट में संतुष्ट। डार्कनेस आर सनशाइन, वह हमेशा लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, वो अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है, सेटिस्फाइड महसूस करता है। और डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य की प्रकाश हो चाहे रोशनी हो, वो किसी भी परिस्थितियों में वो हमेशा जो है संतुष्ट महसूस कर रहा है। दाई एलिमेंट, और इनके जो मौलिक तत्व है, दाई मीन इनके, इनके जो मौलिक तत्व हैं उस मौलिक तत्व के अनुसार वो हमेशा सेटिस्फाइड है। तो इस स्टैंजे में रसेल ने बताया है कि जो फाउंटेन है ही ऑलवेज गोइंग टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड ही ऑलवेज सेटिस्फाइड, ये हमेशा संतुष्ट रहता है, चाहे अंधेरा हो चाहे प्रकाश में हो, सारी परिस्थितियों में जिसके जो मौलिक गुण है। सो स्टूडेंट, लास्ट स्टैंजा में ये रसेल साहब ने बताया है, और फाउंटेन से उन्होंने बात की है, और उनसे कहते हैं, फाउंटेन से वो बात करते हुए आप कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट
अपवर्ड लाइक दी। तो इसमें जो है रसेल साहब फाउंटेन से कहते हैं ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस मीन शानदार, शानदार कहते हैं शानदार फाउंटेन। लेट मी, लेट माय हार्ट बी एंड लेट माय हार्ट बी एंड मेरे हृदय को अपने जैसे बनाओ। फ्रेश कैसा? फ्रेश ताजा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कॉन्स्टेंट मीन्स स्थिर, अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, लाइक दी यानी जिस प्रकार से। वो बताते हैं रसेल साहब बताते हैं कि उनसे फाउंटेन से कहते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हे फाउंटेन मुझे भी अपने हार्ट के जैसे मेरे हार्ट को बनाओ, जैसे कि ताजा परिवर्तनशील और स्थिर, जैसे कि तुम ऊपर जाते हो और हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हो। सो ये सारे जो स्टैंजा था उसमें फाउंटेन के बारे में रसेल ने डिस्क्राइब किया। अब ये पोयम समाप्त होता है। हेलो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।